दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सात ऐसा ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो आपके फोन के अंदर होना चाहिए अगर आप लोग YouTube पर वीडियो बनाते हो तो। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। अगर आपके फोन के अंदर जो मैं इस वीडियो में एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा अगर वो नहीं है ना, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उस सारे ऐप को कैसे ऑपरेट करना है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चाहते हो यूट्यूब पर कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए ना, तो भाई आप लोग अपने फोन के अंदर इस सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये जो ऐप है ना, ये बिगनर क्रिएटर से लेके और बड़े बड़े क्रिएटर जो है ना भाई अपने फोन में लोग रखते हैं, और इसी सात एप्लीकेशन के मदद से जो है ना कि वे लोग अपने चैनल को मैनेज करते हैं। एक एक करके सारे एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना मेरे दोस्त, और कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर बिल्कुल बिगनर हो, नए आए हो ना, और यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट किए हो ना, तो आप लोग अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा, और सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर YT स्टूडियो आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और वहां पर जो है ना कि आपको एक एप्लीकेशन दिखेंगे, उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर क्या करना है कि आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने ईमेल अकाउंट से इसमें आपको लॉग इन कर लेना है। और आप जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे ना, तो आप एडिटिंग करना, आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालना, सारा काम जो है ना आपको इसी एप्लीकेशन से करना है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग यूट्यूब पर बिल्कुल बिगनर हो ना, तो ये ऐप तो आपके फोन के अंदर होना ही चाहिए। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको अपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, और वहां पर आपको सर्च करना है पिक्सा लैब। सर्च करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन दिखेंगे, सिंपली आपको क्या करना है कि उस ऐप को आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको ओपन करना है, और इसी ऐप के मदद से जो बड़े बड़े क्रिएटर के वीडियो में जो थंबनेल बना होता है ना, इसी ऐप से जो है ना भाई वे लोग बनाए होते हैं, ठीक है ना। तो आपके भी फोन के अंदर ये एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो थंबनेल जो है ना आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि थंबनेल पे मैं फुल ट्यूटोरियल लाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर से बतलाना। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो मेरे दोस्त ये एप्लीकेशन जो है ना बहुत ही कमाल के है, और ये सारे बिगनर से लेके जो है ना जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है ना वे लोग यूज करते हैं, जिनको इसके बारे में पता है वे लोग। तो भाई आपको इस ऐप को भी डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है लाइट रूम। सर्च करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है कि आपको वहां पे एक एप्लीकेशन दिखेंगे, आपको उसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपको ये ऐप जो है ना मोड चाहिए, आप मेरे को कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने फोन के अंदर जो भी आप थंबनेल बनाओगे ना, तो आप इस एप्लीकेशन के मदद से आप अपने थंबनेल को जो है ना मॉडिफाई कर सकते हो, आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हो, आप शार्पनेस को बढ़ा सकते हो, आप जो है ना अपने थंबनेल को जो है ना भाई बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं अपने अगले एप्लीकेशन के बारे में। भाई ये चौथा नंबर का जो है ना एप्लीकेशन है, और अगर आप लोग मेरे दोस्त यूट्यूब पर बिल्कुल बिगनर हो ना, और आप चाहते हो कि आप यूट्यूब पर कामयाब हो जाओ, तो मेरे दोस्त ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर होना चाहिए। और इस एप्लीकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है, फिर से आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और वहां पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है यू टैग। आपको एप्लीकेशन दिखेंगे, उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन के मदद से आप बड़े बड़े क्रिएटर के वीडियो के टैग पता कर सकते हो कि आखिर वे लोग अपने वीडियो में कौन सा टैग डाले हुए हैं, और अगर आपको यह पता लग जाएगा तो आप लोग भी जो है ना उनके टैग को कॉपी करके अपने वीडियो में डाल सकते हो, और उनके वीडियो के नीचे अपने वीडियो को आप सजेशन में ला सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एप्लीकेशन की ओर।
तो मेरे भाई ये जो एप्लीकेशन है ना ये फिफ्थ नंबर पे है, और अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर नहीं है ना तो भाई आप कभी भी यूट्यूबर बन ही नहीं सकते हो। भाई ये एप्लीकेशन कौन सा है और इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन के अंदर फिर से गूगल प्ले स्टोर आपको चालू कर लेना है, और चालू करने के बाद में आपको वहां पर सर्च करना है बैकग्राउंड इरेस, और सिंपली आपको एक ऐप दिखेंगे उसको डाउनलोड कर लेना है, अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और जो भी आप थंबनेल पर अपना फोटो को ऐड करोगे ना, अब जो बड़े बड़े क्रिएटर के आप देखते हो थंबनेल पर उनका फोटो ऐड होता है, तो भाई आप फोटो जो खींचोगे ना अपने फोन से कैमरा से, तो उसका जो बैकग्राउंड रिमूव होता है ना हाई क्वालिटी में, इसी एप्लीकेशन से होता है। अगर आपको नहीं आता है बैकग्राउंड रिमूव करने तो भाई आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पर एक फुल ट्यूटोरियल में वीडियो ला दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एप्लीकेशन के ओर। तो मेरे दोस्त अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर नहीं है तो मेरे भाई आप अपनी वीडियो को एडिटिंग ही नहीं कर सकते हो, और आखिर आपको इस एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है। तो मेरे दोस्त आपको फिर से आपको अपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को चालू करना है, और वहां पर आप पावर डायरेक्टर आप सर्च करना, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे और आप उसको डाउनलोड करके जो है ना अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जो है ना कि आप काइन मास्टर सर्च करो, आप उसको भी डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना वे लोग जो है ना कि पावर डायरेक्टर और भाई जो काइन मास्टर होते हैं ना उसी से ना जो है ना वीडियो को एडिटिंग करते हैं भाई, क्योंकि देखो लैपटॉप को आप बाहर में यूज नहीं कर सकते हो ना, घर में रहोगे तभी तो यूज करोगे, लेकिन अगर आप बाहर हो कहीं ट्रिप पे हो तो आप जो है ना फोन से काम चला सकते हो, समझ रहे हो ना, फोन से जो है ना वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। और अगर आपको ये दोनों ऐप का जो है ना मोड लिंक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं वो भी आपको दे दूंगा। यहाँ पे भाई मैं आपको नहीं दे सकता हूं ना मैं आपको बता सकता हूं। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और सेवंथ नंबर की एप्लीकेशन की ओर। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना आपके फोन के अंदर होना चाहिए, और अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर नहीं है ना तो मेरे दोस्त आप कभी भी एक सफल यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। और ये एप्लीकेशन को आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो मेरे भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, और वहां पे आपको जाकर सर्च करना है ट्यूब बडी। आप सर्च करोगे वहां पे आपको एक ऐप दिखेंगे, उसको अपने फोन के अंदर आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग भी पता कर सकते हो कि जो आप अपने वीडियो में टाइटल डाल रहे हो ना उस पर कितना कंपटीशन है। यानी कि अगर आप लोग अपने वीडियो में ज्यादा कंपटीशन वाला अगर आप टाइटल डालोगे, आप कीवर्ड डालोगे, टैग डालोगे, तो मेरे दोस्त उस कीवर्ड पे आपका वीडियो रैंक नहीं करेंगे, और वहां पे सबसे बतलाता है कि लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन। अगर लो कंपटीशन वाला अगर आपको कीवर्ड दिख रहा है तो आपको उसी पे वीडियो बनाना है, और ये एप्लीकेशन जो है ना कि आपको फ्री में सारा कुछ आपको ये जो है ना बताता है। तो दोस्तों ये सारे ऐप आपके फोन के अंदर होना चाहिए, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो यूट्यूब पर एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो होना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के पास में शेयर करना मत भूलिएगा।